एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आनिया। तो आज हम बना रहे हैं क्रिसमस स्पेशल मेवेसी कॉफी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक पाव कीमा जो है वो मैंने उबाल लिया है उसी के पानी में ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है। इसमें आपने पानी डाल के उबालना नहीं है। एक पाव कीमा जो है वो कच्चा, एक अदरक अंडा, लाल मिर्च एक चम्मच, सफ़ेद जीरा और काला जीरा इसको मैंने कूट लिया है, और साथ मैंने ये देखें आपको दिखाएं इलायची, इस पांच इलायची भी मैंने इसमें कूट ली है। नमक हसबे जायका है। चार जो है हरी मिर्ची इनको मैंने चौक पे बिल्कुल बारीक कर लिया है। 10 बादाम जो उनको मैंने तवे पे गरम करके देखें बिल्कुल इसको पाउडर बना लिया, ठीक है। धनिया है तकरीबन एक छोटी गट्ठी ले ली है, और भुने हुए चने जो हैं वो मैंने 5 चम्मच ले लिए हैं। दो मीडियम साइज के प्याज जो है लो फ्लेम में आपने फ्राई कर लेने हैं ताकि ये देखो बिल्कुल क्रंची हो जाए। 10 काली मिर्ची मैंने कूट ली है, खसखास जो है वो 2 चम्मच। इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, मसाले को मिक्स करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्चे कीमे में जो है भुनी हुई प्याज और मिर्ची और धनिया जो है इनको चॉपर में डाल के हम चॉप कर लेते हैं। एक चॉपर लेंगे, इसमें कीमा ऐड किया मैंने, भुना हुआ प्याज, हरा धनिया, इसको बंद करेंगे और इसको हम चॉप करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्ची और कीमा जो है कच्चा वो हमने चॉपर में डाल के मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कीमा मैंने चॉप कर लिया था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसमें बॉईल के हुआ कीमा ऐड कर रही हूँ। नमक हसबे जायका, बादाम, लाल मिर्च, एक अदरक अंडा, भुने हुए चने, 2 चम्मच खसखास, जीरा, काली मिर्ची, इन सबको अब हम मिक्स करेंगे। अंडे बॉईल कर लिए हैं, ऐसे आपने कोफ्ते बनाने हैं। कीमा लिया आपने, कीमा का मिक्सचर आपने हाथ में लिया और अंडे को ऐसे इसके अंदर रोल कर लिया। पूरा अंडा इसके अंदर रोल हो जाएगा और आप इस तरह देखिए आपने नरगिसी कोफ्ते रेडी करनी। अब हम इनको क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, 1 by 1 मैं इसमें नरगिसी कोफ्ता ऐड करूंगी। देखिए तले हुए कोफ्ते कितने लुक में अच्छे लग रहे हैं। ऐसे देखिए आपने रेडी हो चुके हैं। अब हम कोफ्तों का सालन बनाते हैं। प्याज गरम फ्राई कर लिए हैं, उसके अंदर हम अदरक और लहसुन का 1-1 चम्मच जो है वो पेस्ट डाल रहे हैं। हल्का सा इनको ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो चुके, टमाटर डालेंगे, 2 अदर टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिए। नमक मिर्च और हल्दी हल्के जायका, जैसे आप अपनी फैमिली में अपने लोग पसंद करते रहते हैं। 1 कप दही डाल रही हूँ, 1 चम्मच भर के हम गरम मसाला ऐड करेंगे। मसाला देखिए कितना खूबसूरत और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। 1 गिलास हम गरम पानी का डालेंगे। जब भी मैंने आपको पहले बताया था मसाला वगैरह भूने तो मसाला भूना गया, पानी भी पक चुका है। अब हम इसमें 1 by 1 अपने कोफ्ते, तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए हमने कोफ्तों को पकाना था, पके हुए थे, बस हमने जो इसका ग्रेवी बनाई थी उसमें डिप किया है। 10 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसका सर्व करके दिखाते हैं। तो नरगिसी कोफ्ते बनके रेडी।